अगर आप साधक हैं तब क्रूर ग्रह, नीच ग्रह, ऐसे ग्रह जिसमें कई बार आपके आसपास में भौतिकी आर्थिक असंतुलन दिखता है, उसी के नाम तो ग्रहों का प्रभाव है, और क्या है। कुछ आपकी भौतिकी आर्थिक अनुकूलताएं जब आपके हाथ नहीं होती, सांसारिकता आपकी जब सरक जाए, कुछ सम्मान न मिले, स्वास्थ्य ठीक न हो, शरीर ठीक न रहे, इसी का नाम तो ग्रहों की प्रतिकूलता है। 32 वर्ष तक कलयुग प्रतीक्षा करता रहा और फिर वो एक दिन सामने आया जब हिंसक मन बना राजा का, प्राण घातक मन बन गया, मृगया करने का मन जब बना, आखेट करने का मन जब बना, शिकार खेलने का जब मन बना राजा का, दक्षिण दिशा की ओर गए और तब कलयुग से उनका साक्षात्कार हुआ। एक विचित्र सा प्राणी उन्होंने देखा। कई बार देखा जा सकता है, समय को पहचाना जा सकता है, पूरा समय कई बार बड़ा विद्रूपित, बड़ा कलुषित, बड़ा प्रदूषित, कभी कभी आसमान भी ऐसा लगता है कि आज आसमान इतना पहला सा क्यों है, कभी आसमान भी बड़ा मैला सा दिखता है, धूल है आसमान में, कई बार धुंध है, कोहरा है, बड़ी धुंध, बड़ा कोहरा, कई बार कुछ ऐसे बादल जो डराते हैं, दिन में अचानक रात पैदा कर देते हैं। तो कोई एक समय ऐसा होता है कई बार वो अच्छा नहीं लगता, पतझड़ सा, पूरी धरती की हरितिमा खो गई हो, कोई पल्लव पात और फूल न हो, कोकिल न हो, कभी कभी बगीचा भी सुंदर नहीं दिखता, वो बगीचा जो महक रहा होता है, सुरभित और कुसमित होता है, वो बगीचा जो सुगंध से सबको आकर्षित करता है, कभी ऐसा बगीचा, कभी ऐसा पेड़ जो ठूट हो गया है, और तो और कभी कभी अपना भी शरीर अच्छा नहीं लगता, खुद से भी कई बार एक प्रभाव होता है, कई बार हर व्यक्ति पर, वस्तु पर एक प्रभाव होता है। तब राजा को भी अच्छा नहीं लग रहा था, एक व्यक्ति को देखकर, किसको देखकर बहुत अच्छा लगता है, जो सभ्य हो, शिष्ट हो, किसे देखकर अच्छा लगता है, जो संयत हो, शालीन हो, जो निष्ठावान हो, चरित्रवान हो, किन्हें देखकर अच्छा लगता है, उनको देखकर तो पुण्य पताए गए, साधु नाम दर्शनम पुण्यम, संत दरस जी में पातक टरहे, ऐसा बताया गया। कुछ औषधियां ऐसी, उनका स्पर्श करने से ही चेतना उन्नत होगी, बड़ी ऊर्जा मिल जाएगी, कुछ औषधियां तो ऐसी बताई गई, छुओगे तो छूने के साथ ही, स्पर्श के साथ ही एक गंध मिल जाएगी। अब तो ये चिकित्सा विज्ञान कहां पहुंचा है कि आप केवल स्पर्श कर दें, आप केवल देख भर लें, पुतलियां अपनी हिला दें, तो उससे ही पता लग जाएगा भीतर किस प्रकार के गुण सूत्र हैं आपके। यहां तक पहुंच गया चिकित्सा विज्ञान। राजा ने पूछा था कि मैं पहली बार कोई एक अपराधी व्यक्ति देख रहा हूं जो बड़ा दुस्साहसी है, मेरे सामने खड़ा है, तू कौन है भाई, तेरी आंखें लाल लाल अंगारे की तरह से दिख रही हैं, दुर्गंध तेरी देह से, बिखरे हुए तेरे बाल, ओठ चबा रहा है तू, दुर्गंध के साथ साथ तुझमें छल भी दिख रहा है, एक अधम प्राणी है, ऐसा लग रहा है कि तेने बड़ा कोई अपराध किया है, बड़े नियम तोड़ दिए तेने, तेने सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया है, तू किसी वर्जना सीमा को मानने वाला नहीं है, तू बड़ा हिंसक प्राणी है, तू लोभ और अपने लाभ के लिए किसी के भी प्राण ले सकता है, कौन है भाई, क्या तेने कोई दुराचार पापाचार किया है, तेने कोई अत्याचार किया है, तेने कभी किसी के अनायास अकारण प्राण छीन लिए हैं, कौन है। तो वो पुरुष कहता है, महाराज मैं तो काल हूं, जब इस धरती पर सत्यता रहती है तब मैं सत्यु कहलाता हूं, भारी तप के समय जब सत्यता खो जाती है केवल यज्ञ रह जाता है तो मैं त्रेता कहलाता हूं, जब त्रेता और सत्य दोनों नहीं रहते, दान रह जाता है तो मैं द्वापर कहलाता हूं, और जब ये तीनों चीजें खो जाएं तो मैं फिर कलयुग कहलाता हूं, कलयुग, कल पुरजों का युग, यंत्र का युग,
कलयुग माने फिर यंत्र की अधीनता का युग हूँ मैं तो यंत्रों के अधीन हूँ, पदार्थों के अधीन हूँ, मशीन के अधीन हूँ। भागवत में कहा है मशीनी युग आएगा, कलपुर्जों का युग आएगा, कलपुर्ज कलो युग, कल युग यानी पुर्जों का युग, मशीन का युग, तकनीक का युग। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।